दोस्तों, क्या आपको पता है हैशटैग सेव श्वेताब गैंगवार ट्रेंडिंग में क्यों है? चलिए आपको हम बताते हैं। श्वेताब गैंगवार एक यूट्यूबर हैं जो दूसरे छोटे यूट्यूबर्स की मदद करते हैं। अगर किसी का चैनल ग्रो नहीं करता तो श्वेताब उस यूट्यूबर्स को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं या उस पर एक वीडियो बनाते हैं कि उस यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन श्वेताब ने हाल ही में बताया कि ऐसे ही एक क्रिएटर ने, जिसे श्वेताब ने सपोर्ट किया था, जिसे वे भाई की तरह मानते थे, उसने श्वेताब के खिलाफ 2 करोड़ का केस कर दिया है। उस क्रिएटर ने श्वेताब के साथ साथ संदीप महेश्वरी इंक्लूडिंग पीपॉय पर भी 2 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है, यानी मानहानि का केस किया है। श्वेताब ने संदीप महेश्वरी के शो पर यह बताया कि श्वेताब उस क्रिएटर को भाई की तरह मानते थे, लेकिन उसी क्रिएटर ने उनके खिलाफ केस कर दिया है। श्वेताब ने कहा कि जब उन्होंने उस क्रिएटर को सपोर्ट करा था, तब उस क्रिएटर के 500 फॉलोअर थे। श्वेताब का कहना है कि उन पर केस तब हुआ जब वो पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। श्वेताब की माँ को कैंसर है और श्वेताब की माँ ने ही उन्हें पाला है, क्योंकि श्वेताब के पिता का देहांत हो गया था जब श्वेताब 15 साल के थे। ये कंट्रोवर्सी पहले भी हुई थी, लेकिन श्वेताब इस कंट्रोवर्सी से बाहर आ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी माँ को कैंसर था और वो इन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि मदर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। लेकिन जब दोबारा उस क्रिएटर ने एक पॉडकास्ट में श्वेताब के बारे में कुछ बोला जो श्वेताब को अच्छा नहीं लगा, और श्वेताब ने उस पर एक अलग वीडियो बनाई आई एम डन बीइंग क्वाइट के टाइटल से, और जिसके चलते उस क्रिएटर ने श्वेताब के खिलाफ 2 करोड़ का केस कर दिया। बड़े बड़े यूट्यूबर श्वेताब के सपोर्ट में आए और पीपॉय ने श्वेताब का सपोर्ट सेफ फ्रीडम ऑफ स्पीच से करा है और बहुत से यूट्यूबर ने भी उनका सपोर्ट किया है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।